क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज गिवन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू वन। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू वन, जीरो से लेके वन तक वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें बताना है। तो दैट इज द कितनी हो जाएगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, 20 डिवाइड बाय 1 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू वन। वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम टी इक्वल टू वन टू टी इक्वल टू टू। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है वेलोसिटी टी इक्वल टू वन टू टी इक्वल टू टू। टी इक्वल टू वन से लेकर टू तक कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। तो दैट इज द जीरो। ओके, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, क्योंकि अगर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। देन थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम टी इक्वल टू 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 टी इक्वल टू थ्री। थर्ड पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी टी इक्वल टू 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 टी इक्वल टू थ्री, टू से लेकर थ्री तक। टू से थ्री हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, माइनस 10 डिवाइड बाय में टाइम। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी डिवाइड बाय में टाइम, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टी इक्वल टू 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 टी इक्वल टू थ्री। वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम टी इक्वल टू थ्री टू टी इक्वल टू फोर। वेलोसिटी ऑफ बॉडी टी इक्वल टू थ्री टू टी इक्वल टू फोर, थ्री से फोर तक भी क्या होगी हमारे पास, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया फिफ्थ पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इंक्रीज कब हो रही है, किस टाइम में हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी किस टाइम पे इंक्रीज हो रही है, दैट इज द टू से लेके जीरो से लेके वन तक क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू वन तक। सिक्स पार्ट में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज फ्रॉम, तो टी इक्वल टू 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 टी इक्वल टू थ्री में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट इज द डिक्रीजिंग। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट किस टाइम है, टी इक्वल टू वन टू टी इक्वल टू टू और टी इक्वल टू थ्री टू टी इक्वल टू फोर, यानी टी इक्वल टू वन टू टी इक्वल टू टू में और टी इक्वल टू थ्री टू टी इक्वल टू फोर में डिस्प्लेसमेंट क्या है, कॉन्स्टेंट है। दैट इज द क्वेश्चन।